वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ यूकेएससी ऑनलाइन। मैं डिंपल करछी। हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 7 दैट इज पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का लेक्चर नंबर 5। तो हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और पब्लिक और प्राइवेट जो भी हमारे सेक्टर है उसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख लो। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में डन लिखना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर तो देख लिया, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक मार्क में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जस्ट वेट अ मिनट, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग आप लोगों ने देख लिया था, तो अब हम देखने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक मार्क में पूछ सकती है, डोंट फॉरगेट इट। सबसे पहले तो क्या है, वहाँ पे क्या था, पब्लिक सेक्टर में ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, उसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। अच्छा बोले ऐसा होता है, पर यहाँ पे प्राइवेट में थोड़ा सा अलग है। प्राइवेट में क्या आता है कि जो भी बिजनेस है वो मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मैनेज करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बट उसका मेन एम क्या होता है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आ गया वैसे प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, पीपी ये आपको याद रखना है, डबल पी। ये तो इसे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है, सोल ओनरशिप। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने आगे के लेक्चर में ही देख लिया था, पार्टनरशिप हो, HUF हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे प्राइवेट। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी एंड्रॉयड और iOS दोनों में हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे आप www.ukseonline.com जैसे ही सर्च करते हो आपको ये पेज डिस्प्ले हो रहा होगा, और उसी के साथ आप जैसे ही लॉगिन करते हो वहाँ पे कौटिल्य बैच करके एक बैच हम लोगों ने बनाया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। अंडर दी वन रूफ आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स रेटिको भी, वो सारे के सारे लेक्चर्स की नोट्स वहाँ पर हम लोगों ने अवेलेबल रखी है। ठीक है, आप जाके गो थ्रू कर लो और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता है मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है, दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वहाँ तक आप जा पाओगे, और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को ये यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे वो डॉक्टर उदयन कच्छी, जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे जो वो मैं हूँ, भाई खुशाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिंपल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सबकी डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय-बाय, सी यू टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस हिसाब से है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। One of them in detail. तेरे पास कोई और रास्ता है? सबसे पहला है oldest firm, तो भाई जैसे public sector है उसी तरह से private sector हमारा है, वो बहुत ही oldest firm है। उसके बाद big share in economy, yes of course। अब हम जैसे ही
हम सर्टेन सिनारियो की बात करें, मतलब रीसेंट सिनारियो की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा अर्न करती है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट करती है, उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है कि वो टोटली ओपनेबल है, मतलब वहाँ पे किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी ऑनर्स है, वो टोटली फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए कि भाई टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अगर उसको अपना बिजनेस चेंज करना है तो वो लोग कर सकते हैं। जिसका रिसेंट एग्जांपल हम लोगों को पता है कि कोरोना के टाइम पे जैसे ही हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुए हैं, तो जितने भी ऑनर्स से या फिर कोई भी सेक्टर है बिजनेस का, कोई भी सेक्टर, वो उतने टाइम बंद हो गया था, तो उतने टाइम पे वो ऑनलाइन ही, वहाँ पे जितना भी हम लोग सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो टोटली ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब उस टाइम के लिए जितने भी हमारे ऑनर्स थे तो उन लोगों ने अपना बिजनेस स्विच किया था। उसके बाद है प्रायोरिटी टू प्रॉफिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट याद रखना, पब्लिक सेक्टर में क्या था, पब्लिक सेक्टर में वो लोगों का मेन जो एम था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। उन लोगों का मेन एम प्रॉफिट करना नहीं था। पर जैसे ही हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों का मेन एम क्या है, प्रॉफिट करना, वो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था। ठीक है, तो उन लोगों का मेन जो प्रायोरिटी है वो प्रॉफिट रहती है, और उसी के साथ वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करते हैं। यहाँ पे हमारे चार जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स, ओल्डेस्ट फॉर्म है, बिग शेयर इन इकोनॉमी, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटी प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो चार पॉइंट थे वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो सारी कंट्रीज़ में, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, मतलब वो ग्लोबली काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों का जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और वहाँ पे हाँ, एक बात याद रखना कि जिस हिसाब से जो भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो भी बिजनेस रहेगा, तो वो कंट्री के अकॉर्डिंग उसका लॉ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जो सेम लॉ एप्लीकेबल यहाँ पे रहता है, ए कंट्री में रहता है, वो बी कंट्री में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो कंट्री के हिसाब से उन लोगों का जो लॉ है वो चेंजेस हो सकता है, जानते थे। उसके बाद है इंक्लूजन ऑफ मल्टी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो उसकी डेफिनेशन है ये, अगेन दिस इज, ये वन मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई एनी बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है अंडरटेकन बाय अ फर्म, जो भी फर्म करता है मोर देन इन वन कंट्री, भाई कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है अगर कोई भी एक फर्म करता है, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, तो उसे बोला जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एज सिंपल एज दैट। क्या बात है। तो क्या है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में भी वो इंक्लूड होता है, इसीलिए वो ग्लोबली और सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, पब्लिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जॉब सिक्योरिटी हमें बहुत ज़्यादा रहती है, पर अगर कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि वो जॉब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम लोग प्रॉपर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग नए नए बहुत सारे बिजनेस हम लोग एक्सपांड करते हैं, तो जैसे एक्सपांशन होता है तो उसी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। इसी के साथ आप लोगों के सारे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ प्राइवेट सेक्टर वो ख़त्म होते हैं। अब हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोला जाता है ट्रिपल पी, शॉर्ट फॉर्म इसका है ट्रिपल पी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें तो मेजरली क्या होता है, जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के पास बहुत सारी ज़मीन, मतलब लैंड अवेलेबल है। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के पास क्या है, तो ये दोनों मिलके जो भी वेंचर खड़ा करेंगे वो हमारे लिए, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन लोगों के पास मेजरली उतना लैंड का जो भी है वो नहीं होता, मतलब उन लोगों के पास उतनी सफिशिएंट लैंड नहीं होती कि वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर सके। इसलिए क्या है कि वो लोग पब्लिक और प्राइवेट वो दोनों एक साथ ज्वाइंट होकर हमारी कंट्री है, वो कंट्री की जितनी भी GDP है उसको ऊपर लाने में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही हेल्प करता है। इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर नंबर 5 एंड होता है, हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। Till then, bye-bye.